हाल ही में सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं अभी तक यही प्रार्थना कर रही थी कि ईशो सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि तानाशाह का विनाश हो। आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 26 जून को एक अन्य एक्स पोस्ट में लिखा था कि 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। उसके बाद तुरंत ईडी ने हाई कोर्ट पहुंचकर जमानत पर स्टे लगवा लिया। इसके साथ ही सुनीता केजरीवाल ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है।